लोगों को बचाने गई रेस्क्यू टीम खुद हादसे का शिकार हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जैसे ही मलबा हटाकर रेस्क्यू टीम नीचे दबे लोगों को आवाज लगा रही थी ताकि जो कोई भी जिंदा बचा हो वो आवाज दे, उनकी आवाज वो सुन सके, तभी ऊपर से मलबा रेस्क्यू टीम पर ही आकर गिर पड़ा। रेस्क्यू टीम के तमाम मेंबर्स वहां से हटने में भागने में कामयाब रहे, लेकिन इस बीच एक मेंबर उनके बीच का उस मलबे के नीचे आ गया। मलबा इतना ज्यादा था कि वो पूरी तरीके से उसके नीचे दब गया, लेकिन बाद में दबे हुए व्यक्ति को रेस्क्यू टीम के लोगों ने बाहर निकाला। तुर्की में इस वक्त भारी तबाही मची है, 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि भूकंप ने तुर्की को तबाह कर दिया है, ऐसे में दुनिया के कई देश तुर्की और सीरिया की मदद में लगे हुए हैं। तुर्की में कई देशों की रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, भारत की रेस्क्यू टीम भी वहां पर काम कर रही है। भारतीय सेना ने वहां पर फील्ड हॉस्पिटल और NDRF के साथ मिलकर वहां पर वो राहत अभियान चला रही है, लेकिन इसी राहत अभियान के दौरान जो ये तस्वीर आई उसने सबको चौंका दिया। दरअसल ये बहुत जरूरी है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए तो तमाम सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाए। ऐसे में जब ये टीम वहां पहुंची तो देखिए इस टीम के साथ क्या हुआ। तुर्की में 24 घंटे रेस्क्यू का काम चल रहा है, अलग अलग देशों की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही हैं। लोगों को ढूंढते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जो कोई भी नीचे दबा हो उसकी आवाज सुनी जा सके, वो ठीक है नहीं है उस तक पहले कैसे पहुंचा जाए, इसको लेकर भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर सबसे दिलचस्प है क्योंकि रेस्क्यू कर रही टीम को ही जब रेस्क्यू करने की जरूरत आ पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।